अम्मार खान, आप देख रहे हैं आरएटीवी न्यूज़। कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है अब मुंबई में भी देखने को मिल रही है। बता दें 2 अक्टूबर के दिन लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी के जयंती के मौके पर अगस्त कंत्री मैदान से लेकर मंत्रालय तक के कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी। हम बता दें इसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां मौजूद थी, एनसीपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, सभी मौजूद थे यहां पे। एनसीपी की मुंबई की कला व संस्कृति की अध्यक्ष दिव्यानी बिंद्रे भी वहां उपस्थित रहे और इस मौके पर नफरत तोड़ो भारत जोड़ो का नारा लगाया गया। ये यात्रा अगस्त क्रांति मैदान से लेके मंत्रालय तक की रही। हम आपको तमाम विजुअल दिखा रहे और इस मौके पर हमसे बातचीत के दौरान दिव्यानी बिंद्रे ने क्या जानकारी दी वो भी हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहली बात है कि आज हम मुंबई ये ऐसी सिटी है पूरे विश्व में, पूरे हमारे भारत में, कि जिसमें कॉस्मोपॉलिटन सभी लोग साथ में काम करते हैं, अपनी रोज़ी बनाते हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का भाव पहले से मुंबई में कभी था ही नहीं, ना है और ना रहेगा, क्योंकि नफरत ये हमारे मुंबई वालों को पता ही नहीं है। हम लोग सिर्फ लोगों के बाहर से जो रोज़गार कमाने आते हैं उनको अपना लेते हैं। हमारे मुंबई के लोग भी शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन कुछ अभी ऐसी नफरत तो पैदा हो रही है कि ज़िंदगी में हम लोग को मुंबई जो पैदा हुए हैं उनको पहली मुंबई याद है, इसलिए वो कहते हैं कि हमें नफरत नहीं, हमें मोहब्बत चाहिए, हमें हिंसा नहीं अहिंसा चाहिए। क्योंकि आज जयंती जिनकी है वो दोनों एकदम बहादुर थे, लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री भारत रत्न थे। भारत रत्न एक ऐसे इंसान को कहा जाता है कि जिन्होंने नफरत नहीं रखी दिल में और जिन्होंने इंसानों को आपने जय जवान जय किसान यह नारा दिया और किसानों की जिंदगियां बनाई। तो ऐसे लाल बहादुर शास्त्री हिंदू हो मुसलमान हो इनमें नहीं विश्वास रखते, और महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता उन्होंने तो अपनी ममता अहिंसा और सत्य और सहिष्णुता का प्रमाण दिया हुआ था। ऐसे लोगों की ये मुंबई नगरी है। यहाँ मुंबई नगरी में क्यों हमको खुद को सबको नहीं चाहिए नफरत, हम सब लोग अजान हो या भक्ति गीत हो सब में इंजॉय करने वाले हैं। गरबा बोलेंगे तो हमारे लिए गरबा भी त्यौहार है और ईद भी त्यौहार है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि तिरंगे में लपटे हुए लाशों में थे दो जवान, तिरंगे में लपटे हुए लाशों में थे दो जवान, एक था अली और एक था शाम। हिंदुस्तान ने मोहब्बत में दोनों ने दी थी अपनी जान, फिर भी हमने इन्हें बांट दिया कह के कि एक है हिंदू और एक है मुसलमान। तो मैं नहीं चाहती कि हिंदुस्तान के तिरंगे के नीचे हम लोग रहते हैं। हिंदू भी उतना ही प्यारा है हमें और मुसलमान भी उतना प्यारा है। आज हमारी पूरी टीम, मैं राष्ट्रवादी की महिला प्रेसिडेंट, चित्रपट कला साहित्य की हूँ और दिल में ये भाव रखती हूँ और सबके लिए कहना चाहूँगी कि हमारे पूरे सेल में संगीत, म्यूज़िक, आर्ट, ये ऐसी चीज़ें ना हम हिंदू देखते ना मुसलमान देखते हैं। हमें सबके लिए प्यार चाहिए और ये प्यार पूरा हमें विश्वास है कि हमारे ये यात्रा से नफरत छोड़ो, मोहब्बत जोड़ो, एक देश को जोड़ो, भारत जोड़ो, ये सब तरीके से हम लोग जिस तरीके से आज कर रहे हैं मार्च, ये पूरा का पूरा हमारा मोर्चा सक्सेसफुल होने वाला है। क्योंकि हर एक दिल की पुकार है, हर एक जो दिल इंसान, हर इंसान मुंबई वालों के दिल में जो बसी हुई बात है कि हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत चाहिए, हमें बेरोजगारी के ऊपर युवकों को लाना है, हमारे बेरोजगारी खत्म करनी है, हमारी महंगाई खत्म करनी, ये सब किस्से हैं। इससे नफरत हमें नहीं चाहिए, हमें पहले हमारे ये जो उसूल है वो मुंबई को लागू करो कि सबकी खुशहाली अपने आप मुस्कुराहट वापस पहले जैसी हो। इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके चैनल थ्रू, सभी लोगों को मैसेज देना चाहते हैं। हमारे जितने भी लोग यहाँ बैठे एक एक कार्यकर्ता हज़ारों के बराबर है और मैं अपने कार्यकर्ताओं पर इतना विश्वास रखती हूँ कि मुझे पता है संगीत, म्यूज़िक, आर्ट ऐसी एक चीज़ है जो लाखों करोड़ों के लोगों को इकट्ठा लाने की ताकत रखती है। तो मैं ये ताकत जताकर ही रहूँगी और भारत को इकट्ठा हम लोग हिंदुस्तानी बनाकर दिखाएंगे और मुंबई शहर जैसा पहले था वैसे भाव रखते हुए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी। लोगों की परेशानी के बारे में बोल सकते फिलहाल। आपका नाम बताइए। मेरा नाम असलम शेख, राष्ट्रवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। लोगों की जो मुश्किलें चल रही है और जो मुंबई में हालात चल रहे हैं इस वक्त, कल की जो मुंबई थी वो आज की मुंबई में बहुत फर्क हो गया है। आज जीने लायक नहीं है, प्रशासन भी परेशान करती है,
और बाकी के लोग तो है ही परेशान करने वाले। तो हम हमारी मुंबई जैसी थी हमको वैसे चाहिए, रोज़गार वालों को रोज़गार मिलना चाहिए, बीमारों का इलाज बराबर होता नहीं है और ऐसी बहुत सी परेशानी है जो अभी बयान करके नहीं होता। अभी की सरकार से कुछ नहीं है? नहीं, सरकार क्या कर रही है, सिर्फ मार रही है, मार रही है, सिर्फ मार रही है। क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही, वो सिर्फ अपने लिए कर रही है। रोजगार देने का वादा नहीं, कुछ नहीं करती है ना। रोजगार किधर है? कई लोग बेरोजगार हो गए, जो थे रोजी पे वो भी बेकार हो, कई कंपनियां बंद हो गई है, किसान मर रहे हैं, काफी मसले हैं इसमें। कितनी चीज बताए, बस हम लोग यही चाहते हैं कि मुंबई जैसी थी वैसी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, लोगों को प्यार मिले, काम मिले, और मुंबई तो सबको पालती है, उसमें से हम लोग भी है मुंबई। मैं शब्बीर उस्मान शेख, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता, जो हिसाब से देवेंद्र बेंद्रे मैडम जो काम कर रहे हैं वो हिसाब से कॉरपोरेशन में अपने को अच्छे से अच्छा फ़ायदा होगा, मैं यही कहना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, मेरा नाम सलमान शेख है और मैं राष्ट्रवादी का कार्यकर्ता हूँ, दिव्यानी मैडम के साथ जुड़ा हूँ और राष्ट्रवादी के साथ काम कर रहे हैं। और आज के जो दिन है 2 अक्टूबर, गांधी जी का इतना बड़ा सेलिब्रिटी का दिन है, वो दिन हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि इतनी महंगाई, इतनी परेशानी और हमारे को तकलीफ़ हो रही है, तो ये दिन हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर हमारा आगे कैसा होगा? पहले का जो था हमारा महाराष्ट्र था, हिंदुस्तान था, अच्छे से था, हर कोई मोहब्बत में चलते थे, प्यार से चलते थे, भेदभाव नहीं था। पर आज भेदभाव बहुत हो रहा है और किसी की कुछ सुनवाई नहीं हो रही है और महंगाई इतनी है कि पूछो मत, गरीब इंसान जी नहीं पा रहा है। तो हमारी यही सुनवाई है कि यहाँ पर हमारी सुनवाई होए और पहले जैसा था वैसा ही हर कोई रहे अच्छे से। ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम चल, आज हमारे साथ दिव्यानी मैडम है, हर वक्त हमारे लिए खड़े, कभी भी बुलाओ, दरगाह का काम रो, कुछ भी काम रो, हर वक्त आगे खड़े, कभी उन्होंने हमारे लिए भेदभाव किया नहीं। आधी रात में आवाज़ दो तो दौड़ के चले आते, तो वैसा ही हमको चाहिए, हमको वैसा ही हर किसी को जोड़ना है, साथ में चलना है, भेदभाव नहीं करना। तो मैं यही राष्ट्रवादी के साथ रहूँगा, जय राष्ट्रवादी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नसरीन शेख है, मैं बम्बई उपाध्यक्ष हूँ एनसीपी की और प्रेम कला अकेडमी की, और मैं डॉक्टर दिव्यानी बेंद्रे के साथ जुड़ी हूँ, मुझे उनका व्यवहार अच्छा लगता है। मैं मुस्लिम होते हुए भी वो कभी मेरे साथ में ऐसे मतलब भेदभाव नहीं करते और मुझे उनके साथ में अच्छा लगता है, वो आगे बढ़ाने की कोशिश करते, कभी ऐसे पीछे नहीं रखते कि पहले मैं जाऊंगी या जो भी है, हमको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उनका व्यवहार देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, मैं रुबीना शेख बोल रही हूँ, दिव्यानी मैम के साथ में हम जुड़े हैं, कुछ दिनों ही हुए उनके, उनका सब काम वाम हमें देख के बहुत अच्छा लगा और हम जुड़े और हम सबको और सबको ही जुड़ाना चाहते हैं। आज हमारे कुछ मसले हैं, आज इतने बड़े मसलों को उन्होंने चंद दिनों में, चंद मिनटों में जैसे समझ लो ऐसे सॉर्ट आउट किया है, तो हमें अच्छा लगा। अच्छा, हमारी एडवाइस हम सब जगह देंगे कि आज हम हमारे साथ जुड़िए और उनके साथ आज देखिए और आपका काम का आपको अंदाज़ा लगेगा। और जैसे आज जो कुछ भी तकलीफ है छोटी मोटी, ज़्यादातर लेडीज़ हर एक महिला के लिए, जैसे होता है छोटा मोटा मैटर्स है, बड़े बड़े जो है छोटे मोटे मैटर, सब महंगाई का है जो चल रहा है आजकल, महंगाई के लिए लोग बढ़ नहीं पा रहे, जॉब नहीं मिल पा रही लोगों को, संकट हो रहा है, दिक्कत हो रही है, जैसे इनके थ्रू से हम एक रेफरेंस के थ्रू से हम चाहेंगे हर काम इजीली सबके लिए हो, चाहे हम हो, जेंट्स हो, अनकास्ट हो या कोई भी कास्ट हो, सब हमारे लिए कास्ट एक ही बराबर है। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आर ए टी वी न्यूज़। कैमरामैन जैन सैयद के साथ अम्मा खान, आर ए टी वी न्यूज़, मुंबई।